हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फेस डायग्राम फॉर अ वाटर सिस्टम। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि फेस डायग्राम क्या होता है। जब भी डिफरेंट फेसेस के अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तब उस इक्विलिब्रियम की एग्जिस्टेंस के लिए डिफरेंट फेसेस के अंदर कोई सेट ऑफ कंडीशंस होंगी। तो फेस डायग्राम हमें ऐसे सेट ऑफ कंडीशन बताएगा जिन कंडीशंस के अंदर डिफरेंट फेसेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो वाटर सिस्टम है हमें पता है कि वो वन कंपोनेंट सिस्टम है, और वाटर सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस होंगे वो तीन होंगे, लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट और सॉलिड स्टेट, और जो कम से कम नंबर होगा फेसेस का वो होगा वन। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस को देख के चले हम, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू सी माइनस बी प्लस टू अप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट वन है, फेस वन है मिनिमम, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस के लिए, दैट इज वन फेस है, तो वो वैल्यू आएगी टू। तो आपका सिस्टम है जो वो वाइब्रेंट सिस्टम है, मींस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू है। इट मींस हम दो वेरिएबल चूज करेंगे जिनके थ्रू हम फेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब वाटर सिस्टम प्योर सिस्टम है तो कंपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो हम जो दो वेरिएबल चूज कर रहे हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर है। इट मींस जो वाटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट फेसेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, उन सिस्टम के इक्विलिब्रियम की एग्जिस्टेंस के लिए जो कंडीशन चाहिए, उन कंडीशंस का प्लॉट होगा विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये है वाटर सिस्टम के लिए फेस डायग्राम। अब सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम पे देखोगे तो आपको तीन कर्व नजर आएंगी, ओ ए, दूसरा ओ बी, तीसरा ओ सी। इसके अलावा आपको एक मेटास्टेबल कर्व नजर आ रही है ओ से ओ डैश तक, एक ट्रिपल पॉइंट ओ नजर आ रहा है। इसके बाद आपको जो कर्व्स हैं उनके बीच एरिया बाउंड है जो, वो नजर आएंगे तीन एरियाज, एक जो ओ सी ओ ए कर्व के बीच बाउंड है, दूसरा ओ सी और ओ बी कर्व के बीच बाउंड है, तीसरा ओ बी और ओ ए कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड है। तो आपके पास तीन कर्व्स हैं, एक मेटास्टेबल कर्व है, एक ट्रिपल पॉइंट है और एक एरिया जो कर्व्स के बीच आ रहा है आपके पास वो है। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा जो आपको कर्व्स नजर आ रही हैं। तो जो ओ से लेके ए तक की कर्व है वो है वेपर प्रेशर कर्व फॉर दी वाटर सिस्टम। अब वेपर प्रेशर कर्व के अंदर बेसिकली है क्या, ये कर्व हमें बताएगा कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वाटर के सिस्टम का वेपर प्रेशर क्या है, मीन्स वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। अब इस वेपर प्रेशर कर्व पे दो फेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, और वो दो फेस होंगे लिक्विड एंड वेपर फेस ऑफ दी वाटर। तो इस जगह पे आपके पास दो फेस के अंदर इक्विलिब्रियम है, एक है लिक्विड फेस और दूसरा है वेपर फेस। दो फेसेस के बीच इक्विलिब्रियम है, लिक्विड फेस और दूसरा है वेपर फेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस टू आ गया, कंपोनेंट वन है, तो अगर आप फेस रूल को अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट वन फेस टू, तो आपके पास जो सिस्टम से रिजल्ट बनेगा वो अप्लाई करोगे फेस रूल, तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, तो नंबर ऑफ फेस यहाँ पे टू एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, कंपोनेंट एक है, तो आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो आएंगे वन। मीन्स कर्व के ऊपर जो सिस्टम है वो होता है यूनिवेरिएंट, जितने भी कर्व्स हैं वहाँ पे सिस्टम होगा यूनिवेरिएंट, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, वन है। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर आप वेपर प्रेशर कर्व देखोगे तो जहाँ पे वेपर प्रेशर कर्व पे लिक्विड और वेपर फेस क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वेपर प्रेशर के लिए आपके पास एक ही टेम्परेचर होगा, एक ही टेम्परेचर होगा। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, लेट ये वाला पॉइंट है जो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे हमने क्या कर दिया, प्रेशर को फिक्स कर दिया। अब टेम्परेचर यहाँ पे कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखोगे इस एक्सिस पे ये वाला आएगा। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें और टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके टेम्परेचर को हम चेंज कर दें, तो टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके,
तो जो लिक्विड वेपर के बीच इक्विलिब्रियम था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मींस दो फेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ कर रहा है रखा है इसका, के ऊपर ये वाला पॉइंट लेट एक्स है, यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर प्रेशर है, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड वेपर का जो इक्विलिब्रियम था, यहाँ दो फेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, उनमें से एक फेस डिसअपीयर हो जाएगा और टेम्परेचर के इंक्रीज करते ही आपके पास जो सिस्टम बचेगा उसमें सिर्फ क्या होगा, वेपर फेस ही होगा इस जोन में। इसी तरह से अगर प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो आपके पास दो फेस में से सिर्फ लिक्विड फेस ही बनेगा। इसी तरह से अब अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके आपने वेरिएशन देखा, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके वेरिएशन देखो। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर के डिक्रीज करते ही जो दो फेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे थे लिक्विड और वेपर, अब आपको सिर्फ वेपर फेस मिलेगा, और अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपको कौन सा फेस मिलेगा, लिक्विड फेस मिलेगा। इट मींस आपके पास पर्टिकुलर वेपर प्रेशर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अगर आप एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को वेरी कर रहे हो तो दोनों में से एक फेस क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। इट मींस इस कर्व का नेचर है जो है वो है यूनिवेरिएंट नेचर है। तो ये वाला कर्व है वेपर प्रेशर कर्व फॉर दी वाटर सिस्टम, और इसके ऊपर दो फेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं लिक्विड एंड वेपर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इस कर्व का लास्ट पॉइंट है ए, दैट करस्पोंड्स टू दी क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और जहाँ पे जो आपको प्रेशर नज़र आ रहा होगा वो होगा 218 एटमोस्फेरिक यूनिट। इस पॉइंट के बाद जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है उसमें से जो लिक्विड फेस है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ क्या मिलेगा, वेपर फेस मिलेगा। तो ये आ गया आपके पास क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट। और अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखोगे इसी कर्व पे, तो ये वाला पॉइंट आपको 100 डिग्री टेम्परेचर पे देगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो वेपर प्रेशर कर्व है उसके अंदर आपने जो पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं वो बेसिकली यहाँ पे दो फेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको वेपर प्रेशर का वेरिएशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का पॉइंट आ गया। इसके बाद आ गया आपके पास नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी वाटर। अब इस कर्व की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब स्लोप पॉजिटिव का जो डिस्कशन है वो यहाँ से होगा, क्लॉसियस कैप्रिकॉर्न इक्वेशन से। स्लोप पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस वेपर प्रेशर कर्व के ऊपर देखोगे लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच प्रोसेस के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा, जो वेपर फेस का वॉल्यूम है वो लिक्विड फेस से ज़्यादा है, तो आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी पॉजिटिव है। तो डीपी बाई डीटी जो कर्व की स्लोप है वो क्या आएगी, आपके पास पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर के कर्व की जो स्लोप है, वेरिएशन है, वो है पॉजिटिव। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा। यहाँ से हम ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर में इंक्रीज आएगा वैसे वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब उसके बाद इसी कर्व की जो एक्सटेंशन है ओ से लेके इस पॉइंट तक, ओ डैश तक, ये है मेटास्टेबल कर्व फॉर दी वाटर सिस्टम। इस कर्व के ऊपर बेसिक मीनिंग क्या है कि अगर हम वाटर को कूल डाउन करना स्टार्ट रखें और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे ले जाएं, बट आइस को सेपरेट ना होने दें, मींस वाटर की लिक्विड स्टेट ही बनी रहे, तो इस कर्व को हम बोलते हैं मेटास्टेबल कर्व। बट अगर वाटर का टेम्परेचर आपने -2 डिग्री या -3 डिग्री या कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर 0 से मेंटेन कर दिया बट सॉलिड फेस सेपरेट आउट नहीं हो रहा, तब तक ये कर्व क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जब सॉलिड फेस सेपरेट होना शुरू कर दिया तो ये कर्व किस में मर्ज हो जाएगी, सब्लिमेशन कर्व के अंदर मर्ज हो जाएगी। तो ये है मेटास्टेबल कर्व फॉर दी वाटर सिस्टम।
अब दूसरा कर्व है ओबी कर्व, दैट इज सब्लिमेशन कर्व। इस सब्लिमेशन कर्व के ऊपर आपके पास जो सॉलिड फेस है वो इक्विलेटरल के अंदर एग्जिस्ट करेगा विद द वेपर फेस। इट इज आल्सो नोन एज अ वेपर प्रेशर कर्व फॉर आई सिस्टम। तो सेम उसी तरह से दो फेस यहाँ पे इक्विलेटरल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन होंगे। पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए आपके पास पर्टिकुलर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब अगर हम वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे देखें तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट फॉर द वाटर सिस्टम। अब जो इस सब्लिमेशन कर्व के अंदर आप देखोगे तो इस कर्व का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा यहाँ पे वो होगा 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर विच इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस कर्व की स्लोप भी आप देखोगे पॉजिटिव स्लोप है, तो इन दोनों कर्व्स में बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगे और दोनों कर्व्स पे वेपर प्रेशर का वेरिएशन देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सॉलिड और वेपर फेस इक्विलेटरम में है जबकि इस कर्व पे लिक्विड और वेपर फेस इक्विलेटरम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो तीसरी कर्व है वो है ओसी कर्व, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर द वाटर सिस्टम। और इस कर्व पे आपको सॉलिड और लिक्विड फेस इक्विलेटरम के अंदर मिलेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड फेस एग्जिस्ट इन इक्विलेटरम। वही सेम केस होगा आपके पास पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, पर्टिकुलर आपके पास वेपर प्रेशर होगा। बट इस कर्व का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इस कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव क्यों है, अब जो सॉलिड और लिक्विड की कन्वर्जन है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। बट इन केस ऑफ आइस एंड वाटर फॉर द सेम मास वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा है तो जो डेल्टा वी होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेट माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेट। तो आइस का अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेल्टा वी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मींस आपके पास जो ये सिस्टम था dP/dt क्लॉसिस कैप्रिकॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपके पास जो डेल्टा एच है वो तो पॉजिटिव है क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। बट आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से सेम मास के लिए ज्यादा होने की वजह से जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। इट मींस स्लोप क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया। अब इस पॉइंट का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि जैसे जैसे प्रेशर में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, वैसे वैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर में इंक्रीज आएगा वैसे वैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अब जैसे कि यही पॉइंट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 4.58 mm ऑफ मर्करी है और जो टेम्परेचर है वो 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब प्रेशर 180 mm तक पहुंच गया तो वही आपको पॉइंट है जो इस कर्व पे मिलेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह से अगर आप बहुत हाई प्रेशर पे देखो अराउंड अबाउट 2-2.40 atmospheric unit पे, तो जो आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा आइस का वो मिलेगा -22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे प्रेशर में इंक्रीज आ रहा है वैसे वैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये नेगेटिव स्लोप का कॉन्सिक्वेंस है। अब इस कर्व की कोई लिमिट नहीं है, इसके बाद अगर इस कर्व को एक्सटेंड करते जाओगे तो आइस की जो है वो आपको मॉडिफिकेशंस मिलती जाएंगी। तो ये मैंने तीन कर्व्स एक्सप्लेन किए, वेपर प्रेशर कर्व, सब्लिमेशन कर्व, दोनों की स्लोप पॉजिटिव है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व के केस में स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इस कर्व पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलेटरम में है जबकि इस पे आपको सॉलिड और वेपर इक्विलेटरम के अंदर मिलेंगे, यहाँ पे लिक्विड और वेपर इक्विलेटरम के अंदर मिलेंगे। बट तीनों कर्व्स क्या होंगी, यूनिवेरिएंट होंगी, मींस इन कर्व्स पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, वन होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है
जहाँ पे तीनों कर्व आके मीट करेंगे वो होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करें। और ट्रिपल पॉइंट पे तीन फेस को एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। अब ट्रिपल पॉइंट पे नंबर ऑफ फेस आपके पास तीन आ गए, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ क्या होगा, सी माइनस पी प्लस टू, तो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट वन माइनस थ्री प्लस टू, तो आंसर आ गया आपके पास जीरो। इट मीन्स आप जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी को भी वेरी नहीं कर सकते डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि क्या है, जीरो है। सिस्टम क्या है यहाँ पे, नॉन वेरिएंट है। जो वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी को वेरी नहीं किया जा सकता, अगर आपने वेरी कर दिया तो कोई ना कोई फेस क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अगर तीनों फेस ने यहाँ पे कोएग्जिस्ट करना है तो वहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए और पर्टिकुलर ही प्रेशर होना चाहिए, किसी भी फैक्टर को आप वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, जीरो है। अब ओ पॉइंट के, ट्रिपल पॉइंट के लिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है दैट इज 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पर्टिकुलर प्रेशर है दैट इज 4.58 mm ऑफ मर्करी। अब ट्रिपल पॉइंट के बाद जो कर्व्स हैं, कर्व्स के जो बीच का एरिया है, जैसे वेपर प्रेशर कर्व और मेल्टिंग पॉइंट कर्व के बीच का जो एरिया है वो वाटर की लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन कर्व के बीच का एरिया है वाटर के सॉलिड फेस यानी कि आइस को रिप्रेजेंट करेगा। सब्लिमेशन कर्व और वेपर प्रेशर कर्व के बीच का जो एरिया है वो वाटर की गैसेस स्टेट यानी कि वेपर फॉर्म को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब जो एरियाज हैं वो एरियाज क्या होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फेस जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वन। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे c माइनस पी प्लस टू, तो आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे वो टू आएंगे। इट मीन्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू होने का मतलब आप क्या कर सकते हो, जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल में से दो वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग दी फेस। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को वेरी कर सकते हो, बट फेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस जोन में कौन सा फेस रहेगा, वाटर फेस का लिक्विड फेस, यहाँ पे रहेगा सॉलिड फेस, और यहाँ पे रहेगा आपके पास वेपर फेस। तो तीन कर्व्स यूनिवेरिएंट है, एक मेटास्टेबल कर्व है, एक ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट क्या है, नॉन वेरिएंट है, और जो कर्व्स के बीच का एरिया है वो क्या है, वाइब्रेंट है। वहाँ पे एक फेस एग्जिस्ट करेगा, ट्रिपल पॉइंट पे तीन फेस एग्जिस्ट करेंगे, और कर्व्स पे आपके पास दो फेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के फेसेस की एग्जिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर हमें किससे पता चलेगी, वाटर सिस्टम के फेस डायग्राम से। तो आपने ये सारे पॉइंट्स को इसमें एक्सप्लेन करना है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट कर्व है वाटर सिस्टम के लिए उसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है।